फ्रेंड, अगर आपके फोन में भी ये प्रॉब्लम आती है, जब भी आप अपने लॉक को यहाँ से अनलॉक करने का कोशिश करते हो तो आपके फोन में ऐसा कुछ इंटरफेस शो होता है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को आप किस तरह फिक्स कर सकते हो और अपने मोबाइल को यहाँ पे ठीक कर सकते हो। हालांकि फ्रेंड, ये आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके फोन पे एक फीचर दिया गया है जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जब भी मैं अपने लॉक को यहाँ से अनलॉक करने का कोशिश करता हूँ, सबसे पहले मुझे वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना पड़ता है, तभी मेरा जो यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल के आता है। तो इससे आप अगर बंद करना चाहते हैं तो किस तरह बंद कर सकते हैं, जानने के लिए फ्रेंड आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड, इसे बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से अपना सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको सर्च बार पर जाकर सर्च करना है पॉकेट मोड। तो चलिए मैं यहाँ से सबसे पहले सर्च बार पर सर्च कर लेता हूँ पॉकेट मोड। पॉकेट मोड सर्च करने के बाद फ्रेंड ऊपर में जो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे पॉकेट मोड, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ से ऑन किया हुआ है। तो इसे आपको यहाँ से सिंपली इसे ऑफ कर देंगे तो अब जो आपका ये प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व हो चुका है। अब अपने लॉक को इजीली खोल पाएंगे और इसके लिए आपको अपना वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड ये जो मेरा फोन है ये रेडमी नोट 9 है। अगर आपके फोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड इस तरह आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। फ्रेंड अगर आपको आज के ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे।